सवेरे के 6 बजने वाली है। अब से थोड़ी देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी है, अब आप जागृति शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से आतंकवाद से निपटने की अपील की है। ब्रसेल्स में कल रात भारत के समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए एक चुनौती बताया। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता, आतंकवाद को धर्म से अलग करके देखा जाना चाहिए। विकास एजेंडे पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे के 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अगले 3 वर्ष में रसोई गैस कनेक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने व्यापार करना आसान बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत ने आशा व्यक्त की है कि 13वें भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक से यूरोपीय देशों के साथ संबंध बेहतर होंगे। कल रात ब्रसेल्स में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि बैठक में बहुपक्षीय और क्षेत्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अफगानिस्तान के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी विचार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिखर बैठक में भाग लिया। यूरोपीय निवेश बैंक लखनऊ में पहली मेट्रो लाइन के लिए 33 अरब रुपए निवेश करेगा। कल ब्रसेल्स में 13वें भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक के दौरान बैंक के अध्यक्ष वर्नर गोयल ने भारत में लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय निवेश बैंक की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स का दौरा समाप्त कर आज से शुरू होने वाले वैश्विक परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वॉशिंगटन रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहली बार स्वीकार किया है कि पठानकोट में किए गए आतंकी हमले की जड़ें वही हैं। कल असम में थोबरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा के दौरान श्री सिंह ने कहा कि पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा, लेकिन उसने अब पठानकोट हमले में शामिल होने की बात स्वीकार की है और FIR दर्ज की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख शरद कुमार ने कहा है कि पठानकोट हमले की जांच के लिए जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ की आवाज के नमूने मांगे गए हैं। नई दिल्ली में श्री कुमार ने कहा कि पाकिस्तान का संयुक्त जांच दल पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में गवाहों के बयान आज रिकॉर्ड करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में राज्य प्रशासन को 1 अप्रैल के बाद निधि के उपयोग के लिए अधिकृत करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल रात नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि राज्य के लिए विनियोग अध्यादेश राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा गया है। उत्तराखंड में सरकारी व्यय को अधिकृत करने वाला अध्यादेश जारी करने के लिए संसद का बजट सत्र का मंगलवार को सत्रावसान कर दिया गया था। दोनों सदनों की कार्यवाही इस महीने की 16 तारीख को स्थगित की गई थी। 25 अप्रैल से सत्र का दूसरा चरण शुरू होना है। मंत्रिमंडल ने शत्रु संपत्ति विधेयक के संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने को भी मंजूरी दी। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में पानी की कमी और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति VN कनाडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अगले 2-3 महीने